तो हे गाइस माय नेम इज परिंदा निशान, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आजकल जो आपने इंस्टाग्राम पे ये वाली वीडियो जो देखी हुई जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, तो दोस्तों अगर आपको ये वाली एडिटिंग नहीं आई तो इसको कैसे करते हैं दोस्तों, इसको एडिट करना जो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। आप जस्ट 2 या 3 स्टेप में इसको एडिट कर सकते हो, कोई दोस्तों बड़ी बात नहीं है, एकदम काफ़ी आसानी से दोस्तों मैं आपको बताऊँगा एडिट करना, ठीक है। जस्ट 1 क्लिक में ही आप एडिट कर सकते हो। तो चलिए तो बता दो कैसे एडिट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपको गूगल से या फिर क्रोम से ये जो कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको ओपन कर लेना, ठीक है। कैसे डाउनलोड करना है मैंने इस पर एक वीडियो बनाया तो वो भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसको ओपन करके आपको ऐसे ही छोड़ देना। फिर दोस्तों प्ले स्टोर से दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड करना है सुपर वीपीएन, तो दोस्तों वीपीएन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका नाम है सुपर वीपीएन। गाइस इसको ओपन करके यहाँ पर कनेक्ट वाला ऑप्शन में जस्ट आपको कनेक्ट पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर कनेक्टिंग हो रहा है, यहाँ पर कनेक्ट होने के बाद आपको डायरेक्टली बाहर आ जाना है। फिर गाइस दोस्तों आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र पर और एक दोस्तों टेम्पलेट सर्च करना है जिसका नाम मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद कैसे एडिट करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। सर्च पर जाके आपको लिखना है 3D स्मूथ, ठीक है। आपको क्या लिखना है यहाँ पर, आप जैसे लिखोगे मैं पहले डायरेक्ट बाहर आ जाता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी मैं लिख के दिखा देता, ठीक है। 3D यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ गया 3D स्मूथ इमेज टेम्पलेट, तो आपको बस ये वाला नाम सर्च कर लेना है। यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगी, तो आपको कौन सी वेबसाइट पर क्लिक करना है यहाँ पर जो है thecapcut.com वाले पर क्लिक कर लेना है और फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जो आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर दोस्तों ये दोस्तों जो यहाँ पर जो टेम्पलेट आ गया, यहाँ पर टेम्पलेट यूज इन कैपकट पर आपको क्लिक कर लेना है, तो ये डायरेक्टली दोस्तों आपके जो है कैपकट में ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो मेरे कैपकट के अंदर ये ओपन हो गया है। तो यहाँ पर यूज टेम्पलेट पर आपको क्लिक कर लेना है और अपने फ़ोटोज़ वाले सेक्शन पर जाकर एल्बम पर जाकर यहाँ से जो है अपने फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी फोल्डर में आपके फ़ोटो पड़े हो। तो मैं यहाँ पर मैं कुछ मॉडल्स के फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जितने फ़ोटो नीचे दोस्तों दिखाएंगे कितने फ़ोटो सेलेक्ट करने हैं तो आपको इतने फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 5 फोटोज़ को सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ से मैं डन करता हूँ। तो आप देख सकते हो भाई काफ़ी आसान तरीके से बन गया। तो आप पूरा देखो कैसा बना, ठीक है। आप भी ट्राई करो, जस्ट 1 क्लिक में आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने कितने आसान तरीके से आपको दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों ये आप यहाँ तक तो साउंड बंद हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ से आप साउंड ऑफ हो रहा है तो आप टेंशन मत लेना, अगर आपका वीडियो अटक रहा है तो भी टेंशन मत लेना। जैसे ही दोस्तों आप ऊपर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, एक्सपोर्ट विदाउट वाटर मार्क पर क्लिक करोगे, आपका जो वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद जो है दोस्तों हैंग बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। वो कम्प्लीटली चलेगा और साउंड भी इसके अंदर आ जाएगा। फिर चाहे तो दोस्तों आप इंस्टाग्राम में कोई भी साउंड इस पर लगा सकते हो, ठीक है। और गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और कमेंट में जरूर बताना है वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर और भी वीडियोज है वो भी देखो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।